Hey guys, what's up? तो आज बात करने वाले हैं why bullet is the most demanding bike in India. क्यों ये एक demanding bike है इंडिया के अंदर, चीज के बारे में बात करेंगे. तो इसका demanding bike होने का सबसे बड़ा reason जो है वो तो है इसकी sound. इसकी जो sound है ना उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, या bullet हो या classic. हालांकि classic की sound bullet से आप compare नहीं कर सकते, bullet की sound अलग ही level की होती है. इसके अंदर thump आपको बहुत heavy देखने को मिलता है, ठीक है ना. और old bullet की भी अलग ही एक फैन फॉलोइंग है. तो सबसे पहला रीज़न इसका जो डिमांडिंग बाइक होने का वो है इसका साउंड. इसकी साउंड की वजह से बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है. सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो इसकी रिलायबिलिटी, बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है ये बाइक, ठीक है. आप इसकी की के ऊपर भी देख सकते हो, सिंस 1901. बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही रिलायबल कंपनी है, बहुत ही लंबे टाइम से ट्रस्ट करती है, कर सकते हो आप इस पर बहुत लंबे टाइम से. इंडियन आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है. तो बुलेट एक पर्टिकुलर बाइक है इसका जो बहुत लंबे टाइम से प्रोडक्शन में है, ठीक है ना. अराउंड 1931 या 32 से मेरे जहाँ तक नॉलेज में है, इतने पुराने टाइम से प्रोडक्शन में है. तो ये भी इसका इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी डिमांडिंग बाइक है. तीसरी चीज़, 350 सीसी इंजन होने के बावजूद भी ये बाइक आपको 45 तक का भी माइलेज निकाल के देती है. 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको इस बाइक से देखने को मिलता है, इतने हैवी इंजन होने के बावजूद भी, ठीक है ना. और चौथे रीज़न की आप बात करें तो वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, वो इसकी मेंटेनेंस. बिल्कुल लो मेंटेनेंस बाइक है ये. 1000 रुपये में आप इसकी कहीं सर्विस करवा लो, 3000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस होती है. और ना या ज़्यादा खर्चा मांगती है, इसके अंदर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है. बिल्कुल लो मेंटेनेंस बाइक है, सर्विस कराओ और चलाओ. इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं आता है, ठीक है ना. और पांचवी रीज़न की बात करें तो इसकी सर्विस सेंटर पार्ट्स आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे. यहाँ तक कि ओल्ड बुलेट को आप दोबारा से रिस्टोर करवा सकते हो, कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, कहीं पे भी इसको आप जो है रिस्टोर करवा सकते हो, कहीं पे भी जाके कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी इसके अंदर टूट फूट हो जाए, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाए तो ईजिली आप इसको रिपेयर करा सकते हो, दोबारा रिनोवेट करवा सकते हो, दोबारा नहीं बनवा सकते हो. अगले रीज़न की बात करें तो टूरिंग पर्पज़ के लिए बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. क्योंकि इसके अंदर टॉर्क आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. तो जिनको टॉर्क ज़्यादा पसंद है, ठीक है, इसकी पुलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी लोग इसको लेते हैं. तो यही कुछ मेन रीज़न हैं. और जो इकलौता रीज़न मैं आपको शुरू में बता रहा था वो है इसकी साउंड, वो आपको ज़रूर सुनाएंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिकती है. ये जो साउंड है ना, ये आपको कोई और बाइक कभी नहीं दे सकती. ये जो थंब है, ये सिर्फ बुलेट ही आपको दे सकता है. चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा मैं, वो है इसकी रीसेल. मतलब आप इसको ले लेते हो, 3-4 साल चलाते हो, उसके बाद आप इसको सेल करते हो, ईजिली बिक जाएगी, कहीं आपको दिक्कत नहीं देने वाली. तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग इसको लेते हैं. तो बस यही कुछ रीजन थे जिसकी वजह से बुलेट बिकती है. तो आज की वीडियो में इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.